खमागणी सैली कमो ताले वो आई हैव ब्रॉट फॉर यू इन दिस वीडियो अबाउट द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड देयर पास दंड न्यायालय के प्रकार और उनकी शक्तियाँ। दंड न्यायालय के प्रकार पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप सीआरपीसी पढ़ेंगे मतलब दंड प्रक्रिया संहिता पढ़ेंगे तो आपको क्रिमिनल कोर्ट्स के टाइप्स आपको क्लियर होने चाहिए तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे आपको आइडिया लग जाता है कि जब भी कोई केस किसी कोर्ट में जाता है तो उस कोर्ट के नाम से आप ये पता कर सकते हैं कि वो कितनी सेंटेंस पास कर सकता है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम हियाकी देखेंगे। हियाकी सबसे नीचे कौन सा है? मजिस्ट्रेट कोर्ट। उसके ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय और उसके ऊपर आता है हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। अब सबसे लोअर कोर्ट कौन सा है? कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मतलब द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। इसके प्रेसाइडिंग ऑफिसर हाई कोर्ट अपॉइंट करता है मतलब पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और ये कितना सेंटेंस पास कर सकता है? दे कैन पास सेंटेंस नॉट मोर देन 1 ईयर। एक वर्ष से अधिक तक की कारावास की सज़ा ये नहीं दे सकते। और फाइन कितना इम्पोज कर सकते हैं? अप टू 5,000 नॉट मोर देन इट। 5,000 से अधिक का जुर्माना नहीं दे सकते। अब हम इसके ऊपर चलते हैं। ऊपर कोर्ट है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। इसका भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर हाई कोर्ट अपॉइंट करता है मतलब जो भी पीठासीन अधिकारी है इस कोर्ट का वो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये कितने सेंटेंस पास कर सकते हैं? नॉट मोर देन 3 ईयर्स। 3 वर्ष से अधिक तक की कारावास की सज़ा ये नहीं दे सकते हैं। और फाइन कितना इम्पोज कर सकते हैं? नॉट मोर देन 10,000 10,000 से अधिक का जुर्माना नहीं दे सकते। अब इसके ऊपर कौन सा कोर्ट है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसका भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकता है। सेंटेंस कितना पास कर सकते हैं ये? नॉट मोर देन 7 ईयर्स। 7 वर्ष से अधिक से का कारावास ये नहीं दे सकते। और फाइन कितना इम्पोज कर सकते हैं? देयर इज नो लिमिट ऑफ इट। अब इसके ऊपर कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ सेशन सेशन न्यायालय। इसमें 3 जजेस बैठते हैं, 3 तरह के जजेस बैठते हैं। सबसे पहले होते हैं सेशन जज मतलब सेशन न्यायाधीश। उसके बाद आता है एडिशनल सेशन जज मतलब अपर सहायक न्यायाधीश। उसके लास्ट में आता है असिस्टेंट सेशन जज मतलब सहायक सेशन न्यायाधीश। तो असिस्टेंट सेशन जज जो होता है वो उसको भी हाई कोर्ट द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। और वो सेंटेंस कितनी पास कर सकता है? नॉट मोर देन 10 ईयर्स। 10 वर्ष से अधिक तक का कारावास की सज़ा ये नहीं दे सकते। और फाइन कितना भी इम्पोज कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट इन इट। उसके ऊपर है एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज के सेम पावर्स होते हैं लाइक ऑफ सेशन जज। और ये कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं। दे कैन पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। विधि के द्वारा जो प्राधिकृत है वो कोई भी सज़ा ये दे सकते हैं एक्सेप्ट लेकिन डेथ पेनल्टी दे हैव टू गेट कन्फर्मेशन विथ हाई कोर्ट। लेकिन जब भी कोई मृत्यु दंड देगा तो सेशन न्यायाधीश जब भी कोई मृत्यु दंड देता है तो उसको हाई कोर्ट की कन्फर्मेशन चाहिए, हाई कोर्ट की मंजूरी चाहिए तभी वो डेथ पेनल्टी पास कर सकता है। अब सबसे ऊपर है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। उच्च न्यायालय कोई भी सजा दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि क्रिमिनल कोर्ट के कितने क्लासेस हैं और उनके क्या पास हैं। तो इससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कौन सा कोर्ट कितना सेंटेंस पास कर सकता है और कितना फाइन इम्पोज कर सकता है।
I hope you like this video. Thank you.